मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनकी सरकार भले ही यह डंके की चोट पर कहे कि यूपी में रामराज है, कानून व्यवस्था का बोलबाला है, लेकिन उनके इन्हीं दावों पर बागपत से बीजेपी के सांसद डॉक्टर सत्यपाल सिंह ने बड़ा चोट किया है। कह दिया इंडस्ट्रीज कैसे चलेगा, यहाँ तो स्कूल जाने वाले बच्चे हाथ में कट्टा लेकर घूमते हैं। बीजेपी सांसद सत्यपाल सिंह ने कहा कि बागपत में पढ़ने वाले बच्चों के हाथ में तमंचे हैं जो वह लेकर चलते हैं, और इसका असर यह होता है कि उद्योगपति डर की वजह से यहां नहीं आ पाते, जिस कारण रोजगार लोगों को नहीं मिलता, और जिस दिन ये बंद हो जाएगा उस दिन उद्योगपति भी आना शुरू कर देंगे। तो ये किस ओर इशारा है? एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये कहते कहते थकते नहीं है यूपी में कानून व्यवस्था का राज है, उद्योग धंधे के लिए अनुकूल माहौल है, तो दूसरी ओर उन्हीं के पार्टी के बीजेपी के सांसद सत्यपाल सिंह सीधी बात कही है, बागपत में कट्टे लेकर बच्चे घूमते हैं तो उद्योग धंधे कैसे लगेंगे। यानी उद्योग धंधे लगाने के लिए माहौल ठीक नहीं है। अब ये तय कौन करेगा? मुख्यमंत्री के दावे सही हैं, बीजेपी सांसद के तय तो होना ही चाहिए।